11 CTN न्यूज। तो देखते हैं आज की खास खबर। गुजरात में हो रहे उत्तर भारतीयों पर हमले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद ने फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चलें कि पिछले कई दिनों से गुजरात के अंदर हो रहे उत्तर भारतीयों पर हमले और पलायन को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर गांधी पार्क चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिसको लेकर आज गुजरात के इस तरह के हालात हैं। तो देखते रहिए CTN न्यूज के साथ रविंद्र गौतम की ये रिपोर्ट। कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का पुतला दहन करा गया है। जिस तरह से उत्तर भारतीयों के ऊपर केंद्र सरकार के इशारे पे उनका जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको मार के भगाया जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आज जिले में नरेंद्र मोदी सरकार के पुतले दहन हो रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने युवाओं का हनन करा है, चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का अवसर देंगे, वो नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को। आज युवा बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है, पकौड़े बनाने पर मजबूर है। युवा हर समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब समाज का युवा आज बेरोजगार है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं को ठगा है, झूठे वादे करके ठगा था, इसी का कारण है कि आज पूरे देश का युवा सड़कों में उतर चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, गुजरात से उन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, उसके विरोध में आज केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, गुजरात सरकार का पुतला दहन किया गया है। जिस तरह की मांग करना चाहिए आप? हम लोग एक मांग करना चाहेंगे, भारत एक देश है, हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, सबको एक समान दर्जा दिया जाए।